देखिए, इसका निंदा करने की कोई भाषा हमारी अभिधान में नहीं है, मेरा पास नहीं है, हम लोग का एमएलए टोली का पास भी नहीं है, कोई भाषा नहीं है। इतना घटिया शब्द हमारी हिंदू और जो सनातन सेंटीमेंट है उसके ऊपर सीधा सीधा असर हुआ है। बंगाल का हर घर में देवी माँ काली को पूजन होता है, हम लोग का फास्टिंग होता है काली पूजा का दिन, अमावस्या का दिन। इसका खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होगा तो शांतिपूर्ण तरीके से ध्वज लेकर माँ काली जी का तस्वीर और प्रतिमा लेकर मूर्ति लेकर एजिटेशन भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से। वो लोग जैसे करता है रोड ब्लॉकेट, रेल को आग जानी, पत्थरबाजी, ये सब लोग हिंदू लोग नहीं करता। और FIR भी हुआ है नूपुर शर्मा में, इशू में इतना प्रोएक्टिव है ममता जी का पुलिस, इसमें भी प्रोएक्टिव होना चाहिए। हम लोग वेट कर रहा है ये क्या करेगा। उसका बाद पुलिस इन एक्शन को लेकर कोर्ट के जाने के लिए दरवाजा तो खोला ही है, लेकिन दो चार दिन पांच दिन तो देखना ही पड़ेगा पुलिस क्या कर रहा है, ठीक है। और करने के लिए जो दबाव बनाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, वो आवाज सब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से लेकर फार हिंदू पार्टी का जो एफिलिएशन को छोड़ के पार्टी का ऊपर उठ के सब हिंदू लोग सनातनी कल्चर को मानते हुए देवी माँ काली का जो भक्त है, डिवोटी है, सब लोग आवाज उठाएंगे कि कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और बंगाल की धरती पर इतना देव देवी के ऊपर आक्रमण, अब शब्द गाली बार बार हो रहा है और शासक दल इसको पेट्रोनाइज कर रहा है, ये खत्म होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में एक सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा है, मोहम्मद मोइत्रो ने जो कहा है पार्टी उसके साथ स्टैंड नहीं करते, इसका बाद मोहम्मद मोइत्रो ने AITMC का ट्विटर हैंडल को फॉलो करना छोड़ दिया, उनके सिर्फ वो सिर्फ ममता बनर्जी को फॉलो कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी बाकी सबको अनफॉलो कर। ये अंदरूनी मामला है, ये कंपनी का अंदरूनी मामला है, वो कंपनी का मालिक का नेम है ममता जी और मैनेजिंग डायरेक्टर नेम है अपनी नेफ्यू, और ये सब एम्प्लॉय है, कोई अपर डिवीजन क्लर्क है, कोई लोअर डिवीजन क्लर्क है, कोई ग्रुप डी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल है, कोई कैजुअल है। मोवा जी MP है, शायद अपर डिवीजन क्लर्क हो सकते हैं, पूछ लीजिए, अंदर का मामला है, बाहर का मामला नहीं। हम लोग का डिमांड यही है, नेक्स्ट TMC क्या करेगा क्या नहीं करेगा, TMC अपीजमेंट पॉलिटिक्स करता है, हम लोग उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो आपका उसका अंदरूनी मामला है। हम लोग का डिमांड नहीं है, अंडर CRPC IPC जो FIR हुआ है आपको कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हिंदू सनातनियों ने सड़क पर आकर रोड ब्लॉक नहीं करके शांतिपूर्ण तरीके से फागुआ झंडा लेकर टीका लगा के माँ काली जी को नारा देते हुए, नाम लेते हुए वो अपने शांतिपूर्ण एजिटेशन स्टार्ट करेगी। आज आपका रैली है, आज आपका रैली है, वहाँ पे ये आवाज उठाएंगे आप? एक ट्वीट किया है, कहा है ब्रिंग इट ऑन BJP, आई एम अ काली वर्शिपर, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, नॉट योर गून्स, नॉट योर पुलिस एंड सर्टेनली नॉट योर ट्रोल्स, ट्रूथ डज नॉट नीड टू बी बैक्ड अप। क्या कहेंगे, वो बोल रही है वो काली माँ का भक्त है, मोहुआ मोहितो ने ट्वीट किया है कि वो काली माँ का भक्त है, वो BJP के गुंडों से पुलिस से नहीं डरते। देखिए, ये सब बात अभी नहीं चलेगी, सब खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज, एक्शन होना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए, पुलिस को एक्शन होना चाहिए। वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बहुत बार ये हुआ है, सब लोग धैर्य का साथ ये लोग स्वीकार कर लिया, हिंदू लोग शांत होता है, हमारी गीता हम लोग को सिखाया, बार बार ये हुआ, भगवान रामचंद्र का नाम को गाली बताया, चीफ मिनिस्टर खुद, शिवलिंग का अपमान हुआ, महादेव का उनका जुबा लीडर बना दी, इस बार हम लोग छोड़ने वाला नहीं है इसको, ये लास्ट होगा, दिस इज लास्ट। दादा, कल आपने होम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था, आज गवर्नर ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया, क्या? हाँ, जिहाद का ऐलान कर दिया, जिहाद का ऐलान कर दिया, बंगाल का मुखिया जिहाद का ऐलान कर दिया ना, 21 जुलाई जिहाद होगा, 3 जिहाद अभी हो गया बंगाल में, एक तो CAA के लेकर जिहाद हम लोग देख लिया बंगाल में, दूसरा पोस्टपोल वायलेंस में जिहाद देख लिया, तीसरा नूपुर शर्मा इशू में जिहाद देख लिया, आप 21 जुलाई को जिहाद देखने वाला है हम लोग। और जिहाद बनाने के लिए अक्षरधाम टेम्पल करना चाहिए, जिहाद करने के लिए खागड़ागढ़ करना चाहिए, जिहाद करने के लिए डिटोनेटर जिलोटिन चाहिए, इसलिए ये सब
असेंबली हो रहा है, जिलोटिन डिटोनेटर, खुद बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया है उन्होंने तो ऐलान कर दिया जिहाद होगा 21 जुलाई। किसका खिलाफ होगा? बीजेपी का खिलाफ होगा। जो बीजेपी का बंगाल में 2,30,00,000 वोटर ने 2019 में, 2,28,00,000 वोटर ने 2021 में वोट दिया, ये 2,30,00,000 वोटर के खिलाफ जिहाद होगा। और जिहाद करने के लिए तो एक्सप्लोशन, एमिनेशन, डिटोनेटर ये सब चाहिए। इसलिए हम लोग दरखास्त किया यशस्वी गृह मंत्री का पास, आप थोड़ा NIA को भेज दीजिए और जिहाद के हाथ से बंगाल का खास करके हिंदू को बचाइए। देखा जाए दादा तो TMC सपोर्ट नहीं करी है महुआ मोइत्र को, पर शशि थरूर ने महुआ मोइत्र के सपोर्ट में ट्वीट किया है, क्या कहेंगे उन्होंने? शशि थरूर ने ये एक ही है ये कांग्रेस की, वो तो सब वोट चुनाव का दिमाग में रख कर रहा है। वो MP है ना तिरुवनंतपुरम से, केरला, वहाँ भी वोटिंग है, वोट बैंक है, अपीजमेंट तो करना पड़ेगा। अरे या कृष्णनगर भी 38% वोट है, किसका वोट है आप सब लोग को तो समझदार का तो इशारा ही मालूम है। ठीक है, ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है, तुष्टिकरण के लिए हो रहा है। हमारी यशस्वी नेता अमित शाह जी ने हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बताई, क्या बताई, ये मोदी जी आने के पहले 3 तरीके से 3 इशू में वोट होता है। एक क्या है? जातिवाद के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर, तुष्टिकरण के आधार पर। मोदी जी ने अपनी लीडरशिप में सबका साथ सबका विकास चालू कर दिया और ये खत्म होने, ये 3 इशू खत्म होने वाला है। 2 स्टेट में अभी ये इशू चल रहा है, परिवारवाद और तुष्टिकरण, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा तेलंगाना। ये मेरा बात नहीं है, हमारी यशस्वी नेता गृहमंत्री का बात है, अमित शाह जी का बात। उन्होंने ऐलान कर दिया जब अगले चुनाव होगा तब बंगाल में और तेलंगाना में परिवारवाद और तुष्टिकरणवाद को खत्म होगा और राष्ट्रवाद, विकासवाद को जीत होगा। इसलिए और भी कुछ दिन हम लोग का संघर्ष करना चाहिए, उसका बाद बंगाल में असली जो मार्ग है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, राष्ट्रवाद की नारा हर गांव में गूंज गया। ठीक है।